हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमएसडी 9 का एक चैप्टर है 16, जिस चैप्टर का नाम है स्वाधीनता के बाद भारतीय कहानी का विकास। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि सामाजिक सरोकार की कहानियों पर टिप्पणी, है ना। तो सामाजिक सरोकार की जो कहानियां हैं, सबसे पहले इसमें आप ना बार बार जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर में कोई दो इम्पॉर्टेंट बहुत ही दो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी में सिर्फ एक है, किसी में एक भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस पर टिप्पणियाँ आ सकती है और क्वेश्चन आ सकता है। तो सामाजिक सरोकार वाला जो है, ये देखिए, ऐसे प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आया था कि कहानी में सामाजिक सरोकार विषय पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो सामाजिक सरोकार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा। सामाजिक सरोकार का इंग्लिश में मतलब होता है सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न का अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखी जाए, क्योंकि एक बार देख लेते हैं वो ज़्यादा ईजी हमें समझ में आ जाता है, इसका मतलब होता है इट सिंपली मीन्स स्लो सोसाइटी इनकलकेट नेगेटिव थिंग विच इज़ हार्मफुल टू होल सोसाइटी इन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। यानी कि ऐसी जो समस्याएं हैं जिसे समाज जूझ रहा है, जो नकारात्मक हैं, जो उसके लिए एक छोटे से अंतराल या लंबे टाइम पीरियड में भी ना उसके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, और लंबे समय से उन समस्याओं से वो जूझ रहा है। अब जो ये समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं, वो समस्याएं हो सकती हैं गरीबी, है ना, पावर्टी हो गया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी अशिक्षा हो गया, अंधविश्वास हो गया। क्योंकि इस चैप्टर का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद जो है कहानी का विकास, यानी कि आज़ादी के बाद जो जो समस्याएं सामने आई, और आज़ादी के बाद हम आज़ादी जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारे देश में हमें ये सब खुशियाँ मिलेंगे, ये उम्मीदें थी। लेकिन वो उम्मीदें ना, उन उम्मीदों पर ना हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी नहीं खड़ा हो पाया, और देश का विभाजन हो गया। उसके बाद फिर LPG यानी वो उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी जो नीतियाँ अपनाई गई, जिसमें क्या था कि टॉप बॉटम अप्रोच अपनाई गई। टॉप इकोनॉमिक में जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई उसमें टॉप बॉटम अप्रोच अपनाई गई। टॉप बॉटम अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें क्या होता है कि जो सबसे जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र है, उनका विकास करो, और जो प्राथमिक क्षेत्र के विषय हैं उनका विकास अपने आप हो जाएगा। बट ये एक्चुअल में रॉन्ग अप्रोच है। बॉटम टू टॉप अप्रोच हमेशा अपनानी चाहिए, यानी गांवों का विकास करो, धीरे धीरे बेस को मजबूत करो, है ना, आधार मजबूत करो, वो धीरे धीरे क्या है, पूरी मंजिल मजबूत होगी, है ना। तो ये अप्रोच तो बाद में अपनाई गई, जब इस अप्रोच में जो टॉप बॉटम अप्रोच है इसमें असफलता हुई थी। बॉटम मतलब निचला तल और टॉप मतलब उछला, तो वो टॉप बॉटम अप्रोच जो है वो गलत अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच राइट अप्रोच होती है। लेकिन ये गलतियां हमारे देश ने की थी, और इन्हीं गलतियों से क्या बोलते हैं कि हमारे जो सामाजिक सरोकार से संबंधित कहानियां हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि कहानियों में वही लिखा जाता है जो एक्चुअल में समाज में क्या होता है, हो रहे होते हैं। कहानियां वही बताए, जैसे अखबार होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स वगैरह, नोबल्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो वही बताती है जो एक्चुअल में हो रहा होता है। इसी तरह हमें उस टाइम के आज़ादी के बाद जो कहानियां लिखी गई उसमें मार्क्सवाद का प्रभाव और सामाजिक सरोकार से संबंधित कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक सरोकार की कहानियों में आपने को देखने को मिलेगा गरीबी जैसे विषय को उठाया गया, अशिक्षा को उठाया गया, अंधविश्वास को उठाया गया, गाँव से शहर की ओर लोग भाग रहे थे, पलायन को दिखाया गया, विस्थापन को दिखाया गया, कैसे मशीनीकरण ने इसको प्रभावित किया वो दिखाया गया है, लोगों ने कर्ज लिए, कर्ज ऋण व्यवस्था को दिखाया गया, रोजगारहीनता को, जो बेरोजगारी है उसको दिखाया गया, भूमिहीन किसानों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया, किस प्रकार वो आत्म सुसाइड कर रहे थे, ऐसी चीजें दिखाई गई, किसानों की आत्महत्या दिखाया गया, नगरीकरण जो है, जो ये नगरीकरण था वो सब दिखाया गया, भ्रष्टाचार जैसे विषयों को लिया गया, ठीक है। तो इन सामाजिक सरोकार की कहानियों में हमें यही सब देखने को मिलता है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप इसको प्लीज़ साइड में नोट कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें ना इसमें बताई भी गई हैं।
जैसे अब चलिए मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, यही सब चीज़ें हैं, यही सब एग्ज़ाम में ध्यान रखना, फिर उस हिसाब से इसको पढ़ना है। इजी टॉपिक है और आसान भी है, ठीक है। व्यक्तिगत संबंधों के दायरों और पारिवारिक संरचना में बदलाव का अर्थ समाज में गहनतर स्तर पर बदलाव ही है। ऊपर की लाइन हो सकती है आपको समझ में ना आए, लेकिन इसको पढ़ो, क्योंकि उसी से फिर नीचे का आपको समझ में आएगा। तो बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो कि व्यक्तिगत संबंधों के दायरों और पारिवारिक संरचना में बदलाव का अर्थ समाज में गहन स्तर पर बदलाव ही है, है ना। यानी लोगों के आपसी संबंध बदल रहे थे, और जो क्या होते हैं ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन समस्त मानव संवेदना को सामाजिक यथार्थ मानते हुए ही विषय वस्तु के रूप में सामाजिक सरोकार को ठोस परिभाषित अर्थ और व्यक्तिक यथार्थ पर वरीयता देने वाली कहानियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह विभाजन वर्गीकरण हुआ है। ये आपने पढ़ लिया, आपको नहीं समझ में आया ना, तो नीचे के पैराग्राफ से आपको एक्चुअल में ये पैराग्राफ समझ में आएगा, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ना भी लिखो, बस सिंपली ये लिख देना सामाजिक सरोकार का मतलब क्या होता है, सामाजिक सरोकार में कौन कहानियों में कौन कौन से विषयों को उठाया गया, और बाकी ये इसलिए हुआ था क्योंकि स्वाधीनता के बाद हमें इन्हीं समस्याओं को देखने को मिलता है, और वही हमें कहानियों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सभी भाषाओं में अधिकारहीन विपन्न वंचित है ना, जिनके पास एक्चुअल में कोई अधिकार ही नहीं है, जो विपन्न हैं, जो वंचित हैं, मजदूर वर्ग को केंद्र में रखने वाली अनेक कहानियां रची गई, ठीक है, जिसमें ग्रामीण समाज ग्रामीण भारत में को शोषण के दबाव से कराती, यानी कि जो महाजन जो होते हैं उनके शोषण से किस प्रकार वो करा रही थी, गरीबी से संघर्ष कर रही थी, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो संघर्ष करती हुई बस्ती के रूप में चित्रित किया गया है। ये सारे जो रूप है ग्रामीणों का, गरीब किसानों का, ये रूप हम कहानियों में देखने को मिलता है। यथार्थ में उभरते हुए बोध और परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रिया की समझ ने गांव को प्रकृति की गोद में बसे भोले निरी आदर्श मानव संसार के मिथ से मुक्त करने में प्रतिरोध प्रवृत्ति का विकास किया। यानी कि जो असल में गांवों में जो लोग हैं जो कृषि कर रहे हैं, और किस प्रकार वो उन्हें जो है उनकी भलाई के लिए क्या है उनके लिए आवाज़ उठाया, किसने, सामाजिक सरोकार की कहानियों ने, किसानों की गरीबी और शोषण के चित्र खींचे गए, यानी किसान किस प्रकार गरीबी का जीवन जी रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, उसके वैसे सवाल उठाए गए, वो कहानियों में चित्रित किया गया। किस प्रकार देश आज़ाद होने के बाद भी अशिक्षा और जो ये अज्ञान जन्य ना समझी है, कितने ना समझ, कितने भोले होते हैं लोग गांव के, वो सब चीज़ें दिखाई गई। अंधविश्वास के परिणाम लोगों में, क्योंकि अशिक्षा की कमी है उसकी वजह से उनमें अंधविश्वास के कारण जो है शोषण और असहायता की ओर संकेत किया गया, क्योंकि अंधविश्वास की वजह से क्या होता है कि लोग उसमें ढलते चले जाते हैं, ठीक है, तो उसकी ओर भी संकेत किया गया, और गांव से शहर की ओर लोग भागने लगे रोजगार की तलाश में, क्योंकि उद्योगों का विकास शहरों में ही हो रहा था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप बॉटम अप्रोच अपनाई जा रही थी, है ना, मजदूर किसान जो हैं वो विस्थापन के कथन उठाए गए, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में मशीनीकरण की वजह से बुनकर अन्य शिल्पी समुदायों के असन्न विनाश के संकट और संकटग्रस्त जीवन की कहानियां लिखी गई, है ना, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि मशीनीकरण को अधिक, जैसे कृषि क्षेत्र को वो उसके भले के लिए उस पर इन्वेस्ट ना करके, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट ना करके, किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मशीनीकरण पे उस पर इन्वेस्ट पैसा लगाया जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या होता है मशीनों के आने से जो हथकरघा जैसे उद्योग थे, ठीक है, छोटे उद्योग थे, वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए, और उनसे कंपटीशन ना करने की वजह से वो क्या हुए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली, जो काम 10 मजदूर करते थे वो काम एक मशीन करने लग गई, इसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसी चीज़ें क्या है उस टाइम सामाजिक सरोकार की कहानियों में उठाए गए। महाजन से मुक्ति मिली, लेकिन बैंकिंग प्रणाली और ऋण की व्यवस्था ने अपना और
भी विकट रूप से भयंकर अमानवीय चेहरा दिखाया। ठीक है, भूमिहीन किसान और रोजगारहीन असंगठित मजदूर को शोषण विकट से विकटतम, जो मतलब जैसे जो गरीब किसान थे जिनके पास जमीन भी नहीं थी और जो जिनके पास कोई और रोजगार भी नहीं था, मतलब सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए जब फसल वगैरह कटती है तभी उन्हें फसल कटने के लिए रख लिया जाता था, किसी और की ज़मीन पर वो खेती करते थे तो, और असंगठित क्षेत्र में काम करते थे जहाँ पे उन्हें प्रॉपर छुट्टियाँ नहीं मिल रही, प्रॉपर वेतन नहीं मिल रहा है, तो इससे गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए थे। जैसे एक बार अगर उनकी फसल डूब गई तो दोबारा जो कर्ज लिया उसकी वजह से क्या है कि उनके पास कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं, ऊपर से पूरा साल उनका परिवार भूखा रहेगा, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। 1990 के बाद के आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ठीक है, ने विकास के नाम पर आबादी के बहुत बड़े अंश को विकास के दायरे से बाहर कर दिया। यानी देश का विकास तो हो रहा था लेकिन एक्चुअल में जो बहुत बड़ा वर्ग है ना उसके, उसको एकदम साइड कर दिया गया था। जो अमीर था वही अमीर होता जा रहा था। बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या आज के सामाजिक व्यक्तिक यथार्थ हैं। इस वर्ग की कहानी में ही स्वाधीनता के बाद व्यवस्था के विश्लेषण परीक्षण में नगर केंद्रिता आई है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपने देखा भी है। वंचित वर्गों के उन्नयन यानी कि के लिए नई शासकीय नीतियाँ बनती, यानी कि जो गरीब जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा ऐसे वर्गों के लिए अगर नई नई नीतियाँ तो बनती लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर ही दिखती, क्योंकि जो बीच के बिचौले हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो क्या करते, वो उसकी भेंट चढ़ जाती है सारी। आगे से ऊपर से पैसा 10 रुपये आ रहा है, नीचे आते आते वो 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है, बीच के क्या है, 9 रुपये भ्रष्ट लोग खा गए। भ्रष्ट साफ अफसरों के कंधों पर चढ़ी लाल फीता शाही व्यापारियों का वर्चस्व, नेताओं को व्यापारियों उद्योगपतियों के साथ साठ गांठ, उनकी नीतियाँ और भ्रष्टाचार की चक्की में पिस्ता आम आदमी इसका विषय है। देश चाहे जितनी तरक्की कर ले अगर भ्रष्टाचार होता है तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाता है, अंदर से वो पूरा खोखला हो चुका होता है, ठीक है। हर वह नीति जिसका निर्माण विपन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया उसके अहित का कारण बनी, क्योंकि वंचित वर्गों के उन्नयन के लिए नई शासन नीति जो है बनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। भ्रष्ट अफसरों को कंधर पर चढ़ी लाल पीतरशाही व्यापारियों के वर्चस्व, नेताओं के व्यापार जो नेताओं की व्यापारियों उद्योगपतियों के साथ जो साठ गांठ थी, उनकी नीतियां और भ्रष्टाचार की चक्की में पिस्ता आम आदमी इनका विषय बना, किनका, इन सामाजिक सरोकार कहानियों का। इनमें से कोई भी तथ्य स्वाधीनता उपरांत उत्पन्न तथ्य नहीं है, है ना, लेकिन मार्क्सवाद में पाए गए विश्लेषण के औजारों ने रचनाकार के चेतना में नई अंतर्दृष्टि के उल्लास, यानी कि जो इस समय के रचनाकार थे वो मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे और मार्क्सवादी विचारधारक ने और ज़्यादा उनमें उल्लास पैदा किया। पीड़ित शोषित के साथ जो गरीब तबका है, जो जिसके साथ शोषण हो रहा है, जैसे पहले महाजनों के कर्ज से डूबे रहते थे, फिर बैंक से ऋण लिया, बैंक के ऋण से और ज़्यादा दब गए, तो इससे क्या हुआ, ये जो कथा कहानियाँ लिखने वाले इनका दुख दर्द बयां करने वाले थे उन्होंने उनके साथ तादात्म्य, यानी कि उनका दुख को महसूस किया, ठीक है, और नई परिप्रेक्ष्य की पीड़ा से उन्होंने क्या किया, उन अपनी कहानियों में पाठक वक्त तक उसको पहुंचाया ताकि वो उसके दर्द को महसूस कर सकें, ठीक है। सूतपात स्वाधीनता के पहले ही हो चुका था, विकास और परिपक जो है स्वाधीनता के बाद हुआ, यानी कि इस प्रकार सामाजिक सरोकार की कहानियों की शुरुआत तो स्वाधीनता से पहले हो चुकी थी और ये स्वाधीनता के बाद के टाइम पीरियड में और ज़्यादा क्या हुआ, ये परिपक्व हो गई, ठीक है, और अधिक हमें इस कहानी में सफलतापूर्वक जो लेखक है वो इसका वर्णन करने में सफल हुए। तो इस प्रकार हमने सामाजिक सरोकार की कहानियाँ जो हैं वो कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर करके चले जाएं, 5 या 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। तो इसी के साथ हमें फॉलो करते रहें, हम आपकी प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।